आईपीआर लॉ लेक्चर्स के इन वीडियोस के माध्यम से हम आईपीआर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम कॉपीराइट स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी, इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन और असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट, इन तीन टॉपिक्स को कवर करेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स हैं नोट कर लो। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉपीराइट स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी, फिर हम बात करेंगे इन ब्रीफ में, संक्षेप में हम बात करेंगे इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 के बारे में। और लास्ट में हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट के बारे में। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने पासिंग ऑफ के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को जाना विद एग्जांपल्स, विद केस लॉज, और हमने ये जाना कि पासिंग ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रेडमार्क से जुड़ा हुआ है। हमने कॉपीराइट के मीनिंग को विद एग्जांपल्स समझा। एक बार हम कॉपीराइट के मीनिंग को रिकॉल करते हैं ताकि जब हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे तो हमें अच्छे से ये टॉपिक्स समझ में आएंगी। ठीक है, कॉपीराइट क्या है? देखो, हम जानते हैं कि ये जो पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, डिज़ाइन है एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हैं, दीज आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के वेरियस फॉर्म है। यानी हम कह सकते हैं कि डिफरेंट एरियाज ऑफ वर्क में, इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ वर्क, जब इन्वेंटर कोई चीज डेवलप करता है, कोई चीज बनाता है जो अपने आप में नया होता है, ओरिजिनल होता है और उसका क्रिएशन होता है, तो डिफरेंट एरियाज ऑफ वर्क में उसके इन्वेंशन के रिगार्ड में जो एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहलाते हैं। और इन्हें हम डिफरेंट नेम से, इन्हें हम, इन राइट्स को हम डिफरेंट नाम से जानते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। ठीक है, तो कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट बेसिकली क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूट है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक फॉर्म है। ये नेगेटिव राइट है क्योंकि ये दूसरे पर्सन्स को प्रोहिबिट करता है कि वो पर्सन्स ओरिजिनल क्रिएटर के वर्क को कॉपी नहीं कर सकते हैं। सो इट इज व्हाट? इट इज अ नेगेटिव राइट। सेक्शन 13 ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957 बेसिकली उन वर्क्स, उन एरियाज ऑफ वर्क के बारे में बात करता है जिनमें आप कॉपीराइट ले सकते हो, जैसे लिटरेचर के फील्ड में, ड्रामा के फील्ड में, म्यूजिकल वर्क के फील्ड में, आर्ट के फील्ड में, सिनेमा के फील्ड में, कंप्यूटर प्रोग्राम्स के फील्ड में, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के फील्ड में, साउंड रिकॉर्डिंग के फील्ड में। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कॉपीराइट इज एन एक्सक्लूसिव राइट विच इज गिवन टू द ओरिजिनल क्रिएटर इन दीज फील्ड ऑफ वर्क, नेमली लिटरेचर, ड्रामा, म्यूजिक, आर्ट, सिनेमा, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, साउंड रिकॉर्डिंग। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉपीराइट। यही क्या है? कॉपीराइट है। हमने जाना था कि किसी आइडिया में आपको कॉपीराइट नहीं मिल सकता है। कॉपीराइट हमेशा मटेरियलिस्टिक फॉर्म में ही मिलता है। इट इज ऑलवेज गिवन ऑन द मटेरियलिस्टिक फॉर्म, नॉट ऑन आइडियाज
और एब्स्ट्रैक्ट थियरीज, ठीक है। तो आई होप कि कॉपीराइट क्या है, अगर आप वीडियो में नए हो और कॉपीराइट के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं कॉपीराइट के स्कोप और इसके एप्लीकेबिलिटी के बारे में। अगर हम कॉपीराइट के स्कोप को देखें तो इसका जो स्कोप है इट इज़ वेरी मच नैरो, इट इज़ वेरी मच लिमिटेड। क्यों? क्योंकि कॉपीराइट से जुड़ा हमारे पास कोई कॉमन इंटरनेशनल इन्वेंशन नहीं है, वी डू नॉट हैव एनी कॉमन इंटरनेशनल इन्वेंशन विच recognizes copyright of an inventor or which recognizes copyright of original creator worldwide, ठीक है। तो एक original creator के work को चाहे drama के field में, art के field में, music के field में, sound के field में, literature के field में जो उसे copyright मिला हुआ है उसका recognition worldwide नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई कॉमन इंटरनेशनल कन्वेंशन नहीं है, यानी हर एक कंट्री में आपको आपके वर्क के अकॉर्डिंग कॉपीराइट मिलेगा और प्रत्येक कंट्री के जो कॉपीराइट लॉज होंगे वो जो डिफरेंट इंटरनेशनल कॉन्वेंशंस हैं उनके अकॉर्डिंग होंगे, उनके बेसिस पर होंगे। विच मीन्स अगर आप इंडिया के सिटीजन हो और आपको किसी वर्क में कॉपीराइट मिला हुआ है तो ये जो रिकॉग्निशन है ये केवल इंडिया में ही एप्लीकेबल है, अदर कंट्रीज में एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देर इज नो कॉमन इंटरनेशनल इन्वेंशन विच रिकॉग्नाइजेस कॉपीराइट एट इंटरनेशनल लेवल, राइट। तो अब देखो अगर हम बात करें इंडिया में हमारा जो कॉपीराइट एक्ट 1957 है वो इन इंटरनेशनल कन्वेंशंस पर बेस्ड है। कौन कौन से कन्वेंशंस हैं? बर्न कन्वेंशंस हैं 1886, यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन 1951, ट्रिप्स। तो इंडिया में जो कॉपीराइट एक्ट है 1957 का वो जिन इंटरनेशनल कन्वेंशंस पर बेस्ड है वो कौन कौन से हैं? बर्न कन्वेंशन है, ट्रिप्स है, यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन 1951 है, ठीक। चलिए अगर हम बात करें इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 के बारे में तो इंडिया में कॉपीराइट से जुड़ा जो पहला राइट दिया गया था वो 1914 में दिया गया था, 1914 में। और इस पर्टिकुलर एक्ट में अब तक कई बार अमेंडमेंट हो चुके हैं एज पर द नीड। पहला अमेंडमेंट 1983 में हुआ, दूसरा 1984 में, तीसरा 1992 में, चौथा 1994 में और लास्ट 1999 में। तो अब तक इतने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं कॉपीराइट एक्ट 1957 में एज पर द नीड। दिस एक्ट लेड टू द क्रिएशन ऑफ कॉपीराइट ऑफिस, कॉपीराइट बोर्ड एंड कॉपीराइट सोसाइटीज। और इसी पर्टिकुलर एक्ट के तहत कॉपीराइट सोसाइटीज, कॉपीराइट बोर्ड, कॉपीराइट ऑफिस को एस्टैब्लिश किया गया इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट प्लेसेस पर। इस पर्टिकुलर एक्ट में इन्फ्रिंजमेंट के अगेंस्ट सिविल एज वेल एज क्रिमिनल
दोनों तरह के रेमेडीज मिलते हैं। यानी कॉपीराइट एक्ट 1957 प्रोवाइड्स रेमेडी इन बोथ फॉर्म सिविल एज वेल एज क्रिमिनल इन केस ऑफ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, तो ये था कॉपीराइट एक्ट 1957 के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कॉपीराइट स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट। असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट, असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट, इन टॉपिक्स के जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर पड़े हुए हैं। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ले सकते हो। ठीक है, वैसे अगर आप अपने वर्ड्स में नोट्स बनाते हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और वो आपको याद भी होगा। चलो नाउ असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट, असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब है इसका। देखो असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट का मतलब है जब कॉपीराइट ओनर अपने कुछ राइट्स को दूसरे पर्सन्स को असाइन कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, तो इस एक्शन को हम कहते हैं कॉपीराइट असाइनमेंट। इट मीन्स इट इज बेसिकली राइट इन रिगार्ड्स टू द वर्क गिवन टू अदर्स, कॉपीराइट असाइनमेंट। द ओनर ऑफ कॉपीराइट ऑफ अ वर्क हैज राइट टू असाइन हिज कॉपीराइट टू एनी अदर पर्सन। इफेक्ट ऑफ असाइनमेंट इज दैट द असाइनी बिकम्स एंटाइटल्ड टू ऑल राइट्स रिलेटेड टू कॉपीराइट टू द असाइन्ड वर्क। अब सपोज करो ये है कॉपीराइट ओनर, कॉपीराइट ओनर, ठीक है, और ये है असाइनी, या ये है असाइनर और ये है असाइनी, यानी ही इज द एक्चुअल कॉपीराइट ओनर। जब ये अपने एक्सक्लूसिव राइट्स को ट्रांसफर कर देता है असाइनी को, तो असाइनी के पास राइट आ जाता है, उस पर्टिकुलर राइट को यूज करने का राइट आ जाता है, तो इसे हम कहते हैं कॉपीराइट असाइनमेंट। बदले में जो कॉपीराइट ओनर है वो क्या लेता है, रेम्यूनरेशन लेता है, फीस लेता है। कॉपीराइट बेसिकली क्या है, ये एक पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये एक पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये एक इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है, एंड इट इज अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट, क्योंकि ही इज द ओनली ओनर, और उस पर्टिकुलर वर्क से जुड़ा जो भी एक्सक्लूसिव राइट्स हैं वो इसे बिलोंग कर रहा है, तो इसके पास राइट है कि ये अपने कुछ राइट्स को दूसरे पर्सन्स को ट्रांसफर कर दे टू टेक फाइनेंशियल बेनिफिट्स। तो दिस इज कॉल्ड एज कॉपीराइट असाइनमेंट। ठीक है, देखो जो कॉपीराइट ओनर होता है इसके पास दोनों तरह के पोजीशन होते हैं, अपने वर्क से रिलेटेड इसके पास दोनों तरह के पोजीशन होते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में हमने दो तरह के पोजीशन को पढ़ा था, एक्चुअल पोजीशन और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, राइट। तो कॉपीराइट ओनर के पास दोनों तरह का पोजीशन होता है, एक्चुअल एज वेल एज पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन एज वेल एज कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। तो इसलिए कॉपीराइट असाइनमेंट एक्शनेबल क्लेम के परव्यू में नहीं आता है। अब जैसे मानो
कि वॉट डज द वर्ड एक्चुअल पोजिशन मीन्स. पोजिशन का मतलब क्या होता है? पोजिशन का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का जो वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी किसके पास है, आपके पास है. तो एक्चुअल पोजिशन का मतलब होता है पोजिशन इन द हैंड ऑफ एक्चुअल ओनर. और कंस्ट्रक्टिव पोजिशन का मतलब होता है पोजिशन इन द हैंड ऑफ एजेंट. जैसे अगर ये कार है, इफ दिस इज अ कार, अगर इस कार का जो ओनर है वो मिस्टर ए है, तो इस कार का जो एक्चुअल पोजीशन है वो मिस्टर ए के पास है. अगर मिस्टर बी क्या है, ड्राइवर है, तो इस कार का जो कंस्ट्रक्टिव पोजीशन है वो बी के पास है, बिकॉज बी इज ड्राइवर ऑफ दिस कार. ये कार पूरी तरह से किसकी है, ए की है, लेकिन ये कार कुछ समय के लिए बी के पास होती है जब बी मिस्टर ए को उस कार से उसके ऑफिस छोड़ने जाता है. तो कॉपीराइट ओनर के पास दोनों तरह का पोजीशन होता है, एक्चुअल एज वेल एज कंस्ट्रक्टिव. तो इसलिए ये एक्शनेबल क्लेम के मीनिंग में नहीं आता है, एक्शनेबल क्लेम के स्कोप में नहीं आता है. अब एक्शनेबल क्लेम क्या है, उसके लिए आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एक्शनेबल क्लेम पर वीडियो बना हुआ है, आप वहां से जा करके अपने मेमोरी को एक बार फिर से रिफ्रेश कर सकते हैं. ठीक है, अब देखो, अगर हम वेरियस मोड्स ऑफ असाइनमेंट के बारे में बात करें तो कई सारे मोड्स हैं. जैसे एक है ट्रांसफर बाय असाइनमेंट, दूसरा है बाय टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन, तीसरा है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, चौथा है कॉपीराइट ओनर इफ डाइज इंटरस्टेट. अगर कॉपीराइट ओनर बिना विल बनाए मर जाता है तो उसके जो पावर्स होंगे वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को जाएंगे. तो व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ कॉपीराइट? Modes of copyright, modes of assignment of copyright. What are the various modes of assignment of copyright? पहला कहता है transfer by assignment. दूसरा कहता है बाय टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन. तीसरा कहता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. और चौथा कहता है इन केस copyright owner dies intestate such powers to legal representatives. ठीक है, तो अपने next video में हम ये जो different modes of assignment हैं इनके ऊपर detail में चर्चा करेंगे. ठीक है, देखो assignment is matter of right of copyright owner. और section 18 basically assignment of copyright के बारे में बात करता है, वहीं section 19 डील करता है मोड्स ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट से. ठीक है, तो सेक्शन 18 डील करता है असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट से, वहीं सेक्शन 19 डील करता है वेरियस मोड्स ऑफ असाइनमेंट, यानी बाय असाइनमेंट, बाय टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और लास्ट वन. अब देखो कॉपीराइट से जुड़ा एक बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम समझे तो क्या है. देखो, या कॉपीराइट असाइनमेंट से जुड़ा अगर एक हम बेस्ट एग्जाम्पल समझे
तो वो क्या है, देखो, इन केस ऑफ मेकिंग अ कंप्लीट मूवी, एक पूरी फिल्म बनाने के लिए जितने भी क्रिएटिव पर्सन्स हैं वो अपने आइडियाज़ को अपने रेलेवेंट फिजिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं केवल आइडियाज़ पर कॉपीराइट नहीं मिलेगा। तो एक कंप्लीट मूवी बनाने के लिए जितने भी क्रिएटिव पर्सन्स हैं वो अपने रेलेवेंट आइडियाज़ को, वो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को रेलेवेंट वर्क में कन्वर्ट करते हैं, प्रोड्यूसर के पास आते हैं, अपने राइट्स को असाइन कर देते हैं, बदले में पैसे लेते हैं, और इसे हम कहते हैं रॉयल्टीज लेना। प्रोड्यूसर इनके डिफरेंट डिफरेंट वर्क को जब सम अप कर देता है तो एक मूवी बनाता है। Nobody is entitled to copy, reproduce, publish or sell an original writing, painting, dramatic production, sculpture without permission of creator. ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है कि साउथ की कुछ मूवीज होती हैं जिनमें जो स्टोरीज होती हैं वो डब करके दूसरी मूवीज बना लेते हैं, उसका दूसरा मूवी बन जाता है, नाम टाइटल अलग रहता है लेकिन जब आप देखोगे तो जो स्टोरी रहता है पहले वाले का वही सेम स्टोरी इसमें भी रहेगा। वहीं अगर प्रोड्यूसर अपने उस फिल्म पर कॉपीराइट ले लेता है तो सेम स्टोरी को दोबारा से कोई प्रोड्यूसर नहीं बना पाएगा। ठीक है, द लॉ प्रोवाइड्स अ राइट टू द ओनर ऑफ कॉपीराइट टू ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ कॉपीराइट टू थर्ड पार्टी, और हमारा जो लॉ है वो कॉपीराइट ओनर को ये राइट देता है कि वो अपने राइट को थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है, जिसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट। ठीक है, तो ये था असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट एग्जांपल और मोड्स ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट। अब देखो ये बस हम मोड्स ऑफ असाइनमेंट ये टॉपिक रह गया है, फिर कॉपीराइट असाइनमेंट और कॉपीराइट लाइसेंसिंग में क्या डिफरेंस है, कॉपीराइट सोसाइटीज, और लास्ट में हम बात करेंगे इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज।